नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। पूर्व रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी पूर्व सीएम रावड़ी के आवास समेत 17 परिसरों पर सीबीआई ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, पटना, गोपालगंज और मध्य प्रदेश के ठिकानों पर रेड की गई है। इस मुद्दे पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने लंदन गए राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लयबंद पंक्तियों के जरिए सीबीआई की कार्रवाई को आड़े हाथों लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, सत्य व तथ्य का मार्ग वह अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है और असंभव नहीं। देर से ही सही, लेकिन विजय सदैव सत्य की होती है। लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। वही लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप ने सीबीआई रेड पर तंज कसा है। बता दें, शुक्रवार की सुबह से शुरू हो गई थी छापेमारी, घंटों तक चली, तो वहीं सीबीआई के अधिकारी शाम को रावड़ी आवास से बाहर आए। इस छापेमारी को लेकर बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज गई है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी का मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि नौकरी लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इस मामले में जाँच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। खबरों की माने तो लालू यादव के अलावा उनके परिवार के सदस्यों को भी नए मामले में आरोपी बनाया गया है। वहीं सीबीआई की छापेमारी के दौरान तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ लंदन में हैं। सीबीआई की आज की रेड को लेकर तेजस्वी यादव ने जिस तरह से एनडीए की केंद्र सरकार पर तंज कसा है, वहीं तीखापन उनके 2017 के ट्वीट में भी है। अपनी ट्वीट प्रोफाइल पर तेजस्वी ने 26 दिसंबर 2017 के एक ट्वीट पिन कर रखा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की राजनीति को लेकर लिखा है, अगर लालू जी बीजेपी के हाथ में लेते हैं तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। आपको बता दें, इस छापेमारी के बाद सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी रावड़ी देवी और दो बेटियों समेत 16 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं सीबीआई की एफआईआर में लालू प्रसाद यादव पहले और प्रमुख आरोपी बनाए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर रावड़ी देवी आरोपी है। तीसरे और चौथे नंबर के आरोपियों में मीसा भारती और हेमा यादव हैं। बता दें कि लालू यादव की बेटी हेमा यादव को पहली बार किसी भी मामले में आरोपी बनाया गया है।